ये पढ़ा जा चुका है। ये संस्कृत पाली मिक्स है, इसे संस्कृत में लैंग्वेज किया गया जिसे उर्दू का पढ़ा जाता है। निर्माणा लाभाय तपस्वी होगी शुभ गुहे अरहर प्रतिमा प्रतिशत आचार्य झुमुनि भैरव देव छठ वर्ष छेड़ी। इससे क्लेश निकलता है कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया, अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्र में बसा दिया गया तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटा, दो गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं से तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया गया। उसी तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर इनके माथे पर 7 फन का निशान था जो अलादीन बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ऊपर भाग कड़ी का निशान, लेफ्ट राइट साइड पिलर, ये छज्जेदार बरांडा था जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईट प्लास्टर चूना और बेरी से मरम्मत किया गया। इधर सो गाइस ये देखो राजीव का स्वर्ण भंडार और काफी पार्क है, इधर गुफा जो राजगीर स्वर्ण भंडार का है और कुछ आप स्वर्ण भंडार के बारे में आपको दिखा दिए जो बोल रहे थे इधर साइड हम। तो गाइस वीडियो में बने रहो, भी एक साइड और गुफा है वो भी इधर दिखाने वाले हैं हम आपको। ये देखो गुफा पूर्वी गुफा, ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। तो नालंदा का दो स्टूडेंट थे फायन हंसन, तो हंसन साहब जब इसे 1905 में जब इसकी खुदाई किया गया तो डबल स्टोरी मिला, एक पत्थर का और इसके ऊपर में ईटे का बना हुआ आगे, दोनों ढका हुआ था लेकिन 1934 की बिहार टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु जब इसे पत्थर बाहर किया गया तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का रूप मिला, उसे निकालकर दिल्ली म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। ये दीवार को जो देख रहे थे जैन तीर्थंकर और बौद्ध तीर्थंकरों का प्रतिमा वो मानने लगे थे दिगंबर और चितंबर, जैसे में तीसरे तीर्थंकर पार्श्वनाथ।